हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल UHBP, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या है मीनिंग, क्या है पर्पज, क्या है कंटेंट सेल्फ एक्सप्लोरेशन का और क्या है प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मीनिंग क्या है। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि नोइंग अबाउट अननोन थिंग, यानी कि जो अननोन थिंग्स हैं इस एग्जिस्टेंस में, इस नेचर में, उसको जानना ही क्या कहलाता है, एक्सप्लोरेशन कहलाता है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, टू बी अवेयर ऑफ वन सेल्फ, यानी अपने आप को जानना, अपने आप के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ वंस ऑन अनरियलाइज्ड स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाती है। यानी कि जो हमारे अंदर एग्जामिनेशन, हमारे अंदर जो अनरियलाइज्ड स्पिरिचुअल हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं जो हमारे अंदर, जिनको अभी तक हमने जान नहीं पाया है, उनको जानने की कोशिश करने, उनको जानना ही क्या कहलाता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। तो इसको हम अगर देखें कि ये क्या है डिफिनेशन के तौर पे, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हम क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, ये उसके बीच का एक प्रोसेस है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये खुद को इवॉल्व करने का एक तरीका है सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, यानी कि हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपने आप को इवॉल्व करते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द इंटायर एग्जिस्टेंस। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू जो है हम अपने आप को जानते हैं और हेंस हम पूरे एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वंस रिलेशनशिप विथ एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलिंग इट। यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का थ्रू जो है हम अपने आप के रिलेशनशिप को दूसरे से पहचानते हैं और उस और एग्जिस्टेंस में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं उसके साथ रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फुलफिल करते हैं, यानी म्यूचुअल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ह्यूमन को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसका कैरेक्टर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग रहना सीखते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बींग इन हारमोनी इन वन सेल्फ एंड इन हारमोनी विथ इंटायर एग्जिस्टेंस। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने आप के साथ हारमोनी में रहते हैं और साथ ही साथ इंटायर एग्जिस्टेंस यानी कि पूरे नेचर के साथ हम जो है हारमोनी में रहते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इनेटनेस यानी स्वत्व एंड मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वतंत्रता एंड सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि स्वराज्य। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इनेटनेस एंड मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्वत्व को और हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो स्वतंत्रता मतलब क्या हुआ कि बींग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यानी कि बींग इन हारमोनी इन वन सेल्फ, यानी कि जब हम अपने आप के साथ हारमोनी में रहते हैं तो उसको हम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं यानी कि स्वतंत्रता कहते हैं। और उसी तरीके स्वराज्य क्या होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि लिविंग इन हारमोनी विद अदर एंड दस पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स हारमोनी इन द होल। जब हम दूसरों के साथ जो है हारमोनी में रहते हैं और हारमोनी पूरे संसार में लाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वराज्य कहते हैं। तो अपने आप के साथ हारमोनी में रहना दैट इज स्वतंत्रता यानी कि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरों के साथ हारमोनी में रहना दैट इज स्वराज्य सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन है यानी कि। तो अब हम बात कर लें कि कंटेंट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो कंटेंट जो है डिज़ायर है और प्रोग्राम है, यही कंटेंट है सेल्फ, मतलब कि सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। तो डिज़ायर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ माय बेसिक एक्सप्रेशन, यानी कि हमारा बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, किसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, क्या हम हासिल करना चाहते हैं, कैसे हासिल करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम मीन्स व्हाट इज़ द प्रोसेस टू फुलफिल दिस बेसिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारा बेसिक एक्सप्रेशन है उसको हम फुलफिल कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो प्रोग्राम कहलाता है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन यही है कि हमारी डिज़ायर क्या है और हम उसको कैसे फुलफिल करेंगे, उसके लिए डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए हमारा प्रोग्राम क्या है। देन तो दिस इज़ व्हाट एनी ह्यूमन बींग वुड लाइक टू नो एंड वर्क टुवर्ड इट्स एक्चुअलाइजेशन इन लाइफ। तो यही एक चीज़ है जो सभी ह्यूमन बींग्स चाहते हैं जानना और इसके लिए काम करना चाहते हैं कि हमारी इच्छा क्या है, हमारा एस्पिरेशन क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है और हम उसको कैसे एक्चुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। तब हम बात कर लें कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, कैसे हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, कैसे हम इवोल्यूशन अपना इन्वेस्टिगेशन अपना करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ प्रपोजल, कोई भी स्टेटमेंट हो, चाहे आप दे रहे हो चाहे कोई सामने वाला दे रहे हो, वो क्या है, प्रपोजल है, एक स्टेटमेंट है, प्रपोजल है। तो
वाट एवर इज स्टेटेड इज़ ए प्रपोजल, तो डोंट बी स्टार्ट अज्यूमिंग इट टू बी ट्रू और फॉल्स। यानी जो भी स्टेटमेंट आ रहा है, जो भी प्रपोजल आ रहा है, उसको गलत है या सही है उसको अज्यूम करके ना चलें। यानी कि आपने अज्यूम कर लिया हाँ ये गलत है, या फिर आपने अज्यूम कर लिया हाँ ये सही है, तो इस तरीके से नहीं करना है। और ना ही आपको उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर या व्हाट इज़ रिटन, यानी कि आपने जो भी स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है या जो भी लिखा हुआ है उसके बेसिस पर आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करिए। उसी तरीके से रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके आप जो है उससे रीडिंग जो आती है उसके बेसिस पे भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करिए। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अदर, किसी दूसरे ने कह दिया कि हाँ वो गलत है सही है, तो उसके बेसिस पे भी आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करिए। यानी कि प्रपोजल जो है, यानी जो स्टेटमेंट है, या तो उसको अज्यूम करके आप ट्रू या फॉल्स में एक्सेप्ट ना करें, ना ही उसको किसी रिटन स्क्रिप्चर्स में, ना ही इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ना ही किसी दूसरे के कहने पर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। तो कैसे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? उसके लिए दो तरीके हैं। वेरीफाई द प्रपोजल, तो कैसे आप उसको प्रपोजल को वेरीफाई करेंगे? पहला है कि वेरीफाई द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कि जो प्रपोजल आपको आया, जो स्टेटमेंट आया है, उसको पहले अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे वेरीफाई करिए। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्या है मीनिंग, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसके लिए वीडियो बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। तो पहले जो उस प्रपोजल को, उस स्टेटमेंट को आपको अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे वेरीफाई करना होगा। अब दूसरा है कि लिव अकॉर्डिंगली टू द प्रपोजल, यानी कि जो भी प्रपोजल है, जो भी स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लिव, मतलब कि रहिए। किस तरीके से? इन द बिहेवियर विथ अदर ह्यूमन, यानी कि उस स्टेटमेंट के, उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग बिहेव आप करिए। और दूसरा, इन वर्क विद द रेस्ट ऑफ नेचर, और उस प्रपोजल यानी उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप वर्क करिए नेचर के साथ। तो ये दो तरीका है जिसके बेसिस आप उस प्रपोजल को वेरीफाई कर सकते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर, दूसरा उसके अकॉर्डिंग रहिए। तो जब आप अपने बिहेवियर में वो उस प्रपोजल या उस स्टेटमेंट के साथ बिहेव करते हैं, तो वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट लीड करना चाहिए। यानी कि वो प्रपोजल, वो स्टेटमेंट अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट लीड कर रहा है, तो यानी कि वो प्रपोजल या स्टेटमेंट सही है। वहीं पे इन वर्क विथ रेस्ट नेचर है, तो दैट विल लीड टू म्यूचुअल प्रॉस्पैरिटी। यानी कि अगर आप जब दूसरे के साथ उस तरीके के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे, तो वो म्यूचुअल प्रॉस्पैरिटी लीड करेगा, यानी म्यूचुअल प्रॉस्पैरिटी ले आएगा। तो अगर ये ला रहा है, तो वो रिजल्ट किस में करता है? रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप किसी प्रपोजल को, किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप रहते हैं, तो वो रिजल्ट आता है, यानी कि वो रियलाइजेशन आपको देता है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। क्या देता है? इसका मतलब क्या हुआ कि नोइंग समथिंग टू बी ट्रू फॉर श्योर विद इन आवर सेल्फ, यानी कि तब हम आप कह सकते हैं कि हाँ अब मैं मानता हूँ हाँ ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको अब रियलाइज़ हो गया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये गलत है या सही है। क्यों? क्योंकि आपने प्रपोजल को वेरीफाई किया अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस में, और उसके अकॉर्डिंग आपने रहा, आपने बिहेवियर में चेंज लाया, और उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, तो आपको रियलाइजेशन होता है, आपको समझ आती है कि हाँ ये सही है, पूरी तरीके से सही है, इसमें मैं कॉन्फिडेंस हूँ। तो अगर हम देखें तो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है आपको, वो तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अश्योर होना चाहिए, सेटिस्फाइंग होने चाहिए, और यूनिवर्सल होना चाहिए। जो भी आपने रियलाइज किया, जो भी आपने समझा, वो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अश्योरिंग, सेटिस्फाइंग एंड यूनिवर्सल। अश्योरिंग मीन्स आई एम अश्योर्ड ऑफ द आंसर और अंडरस्टैंडिंग इन माई सेल्फ, यानी कि आप खुद में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ वो आंसर जो है, वो जो आपने रियलाइज किया, जो अंडरस्टैंडिंग आई है, वो सही है, फुलफिल करता है आपको। सेटिस्फाइंग यानी कि आई एम सेटिस्फाइड दैट द आंसर आर फुलफिलिंग फॉर मी, यानी कि जो आंसर आ रहा है वो आपको फुलफिल करना चाहिए, आप उससे सेटिस्फाई होने चाहिए। और दूसरा यूनिवर्सल, यानी कि वो जो आपने रियलाइज किया, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो टाइम के बेसिस बात करें, चाहे स्पेस के, चाहे इंडिविजुअल के बेसिस बात करें, वो सभी के लिए क्या है? सेम है। यानी टाइम यानी कि आंसर आर सेम एट ऑल टाइम, जो भी आपने आंसर रियलाइज किया, आंसर आपने समझा, वो हमेशा हर समय सेम रहेगा, चाहे वो पास्ट की बात करें, चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें। उसी तरीके से स्पेस की बात करें, यानी कि वो सभी जगह पे, सभी लोकेशंस पे सेम रहेगा। यानी कि आपने यहाँ पे रियलाइज किया है और कहीं और जाएंगे तो रियलाइजेशन चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि आपने गलत रियलाइजेशन किया है। और इसी तरीके से इंडिविजुअल, यानी कि आंसर जो आपने रियलाइज किया, जो अंडरस्टैंडिंग आई है, वो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेम रहेगा। ये नहीं कि आपके लिए वो रियलाइजेशन अलग तरीके से हुआ, दूसरे के लिए वो रियलाइजेशन अलग तरीके से नहीं हुआ, नहीं तो फिर वो गलत रियलाइजेशन हुआ है। तो वो जो भी आपने रियलाइजेशन किया है अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे वेरीफाई करके और उसके अकॉर्डिंग लिव रह के, तो वो तीनों, इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। एश्योर होना चाहिए, सेटिस्फाइंग होना चाहिए, और यूनिवर्सल होना चाहिए। तो इफ़ एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड, देन इट इज़ नॉट फ्रॉम नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा है आपके रियलाइजेशन का, तो फिर आपका जो वेरीफिकेशन हुआ है वो आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस से नहीं है।
तो अगर हम कंप्लीट प्रोसेस की बात करें कि कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, तो एक प्रपोजल होता है, उसको आप वेरीफाई करते हैं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस पे, और दूसरा उसके अकॉर्डिंग आप रहते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, तो वो लीड करता है रियलाइजेशन में और अंडरस्टैंडिंग में। तो जो रियलाइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको टेस्ट करिए तीन क्राइटेरिया पे। एश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि अश्योर करना चाहिए कि हाँ वो आंसर सही है। सेटिस्फाइंग होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन आपको दे रहा हो वो आंसर रियलाइजेशन। और यूनिवर्सलिटी, यानी कि वो सभी के लिए सेम है, वो टाइम के बेसिस पे हो, चाहे प्लेस स्पेस के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, या फिर इंडिविजुअल के बेसिस पे, सभी के लिए वो इक्वल होना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होना चाहिए, स्पेस के अकॉर्डिंग यानी लोकेशन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होना चाहिए, सभी इंडिविजुअल के लिए सेम होना चाहिए। किसी ये नहीं कि आपके लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। तो अगर ये चीज़ है तो वो जो रियलाइजेशन हो, अंडरस्टैंडिंग, वो फ्रॉम नेचुरल एक्सेप्टेंस है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि वॉट एवर इज स्टेटेड इज अ प्रपोजल, डोंट एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, बल्कि उसको वेरीफाई करिए अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए, और फिर जो रियलाइजेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, अगर वो एश्योरेंस है, सेटिस्फैक्ट्री है और यूनिवर्सल ही है, तो फिर आपका रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग है वो आपके नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, क्या है मीनिंग, क्या है प्रोसेस, क्या है कंटेंट और क्या है प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।